वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। गुरु प्यारियो, मन वृत्तियां नूं एकाग्र करिए। धन धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन पवित्र चरणों दे विच इस मन नूं जोड़ना करिए। प्यारियो, मन नहीं जुड़दा, मन दुनिया दे नाल ही जुड़िया रहिंदा है। जुड़दा है कदी कदी, फिर विछड़ जांदा है, जुड़ के विछड़ जांदा है, जुड़ के विछड़ जांदा है। आउंदा है गुरु घर, फिर चला जांदा है। मन नूं लोड है धन गुरु नानक साहिब जी की सिख्या, जो है गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र पावन गुरबाणी, जो मन नूं सिख्या देंदी है, समझाउंदी है। मन नूं लोड़ है विचार करे, सिखी सिख्या गुर विचार। उंज ते मन कहिंदा रहिंदा है, मैं सिखी कमा रहा हां, क्योंकि जिवें पैसा कमाईदा है तिवें सिखी भी कमाउणी पैंदी है। इस मन नूं धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे वचन मनने पैंदे हन, कमाउणे पैंदे हन। जिवें सेवा कमाई दी है, सेवा कमावांगे तां हथ सफल होणगे। प्यारियो, मन चित एकाग्र करके, क्योंकि चित ते रहिंदा है मालिक नाल, वाहिगुरु जी नाल, मन नहीं रहिंदा। मन जिवें सोई विचों धागा निकल जांदा है, जद धागा ही निकल गया सोई विचों, भावें मशीन होवे ते भावें हथ वाली सोई होवे, किसे कपड़े दा जोड़ नहीं जुड़दा। साडा शरीर भी कपड़ा है। आ जिहड़ी देह है, इस नूं वी सतगुरु जी कपड़ा ही फरमाउंदे हन, कपड़ रूप सुहावना। यह सोहना कपड़ा, सुंदर कपड़ा, सोहना रूप, यह कपड़ा है सारा। यह तां जुड़ेगा अपने वाहिगुरु जी नाल, एको ओंकार जी नाल, परमेश्वर नाल। बड़े नाम हैं अकाल पुरख जी दे, ताई गुरबाणी पढ़ी दी है। जिवें जिवें गुरबाणी का पाठ पढ़ांगे जां सुणांगे, कीर्तन पढ़ां सुणांगे जां करांगे, गुरबाणी पढ़दियां दुनिया दे विच जितने भी नाम हन, क्योंकि दुनिया दे विच कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवा गोसाइयां, कोई आला है, जो किसी मन नूं चंगा लगता है, जिथे जिथे किसी ने जन्म लिया है, जिवें जिवें जिस जिस जदों बचपन से उन्हां दियां मावां ने गोडे नाल ला ला के जिवें जिवें आखिया है, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, मावां थापड़दियां गईयां हन, वह आवाज कन्नां विच पैंदी गई है। होर भी जिथे जिथे किसी ने जन्म लिया है, उन्हां दियां जन्म देण वालियां मातावां ने, जो भी उन्हां दा रिलीजन है, जिवें भी वह रब का नाम लैंदे हन, निके निके बच्चियां नूं पालण समय वह नाम लै जांदे हन। गुरबाणी विच विशेषता है, जदों पाठ करन लगो सारे नाम मुंह तो निकल जांदे हन, सारियां विच ही परमेश्वर दिसण लग पैंदे हन। अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के, सब बंदे पता लगन लग पैंदा है।
एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले कौन मंदे। सारिया नाल प्यार करन नू मन करता है। जिवें जिवें गुरबाणी पढ़ो, वैर विरोध भी मन विचों मुक जांदे हन। ना को बैरी नहीं बेगाना, बेगाने उन्ना चिर लगते हैं जिन्ना चिर सतगुरां तो दूर हैं, गुरबाणी तो दूर हैं। जदों साध संगत विच ये मन इस शरीर नूं लैके आउण लग पैण, क्योंकि शरीर नूं लैके आउणा है मन ने, ये बड़ा वड्डा भुलेखा है। ये उदों निकलदा है जदों उम्र मुक्कण दे कंडे आ जांदी है, उदों अंदरों ज्ञान दा दीवा जग पैंदा है। जिहड़ी देह विच रह के जिस जीव नाल मैं माड़ा बोलिया, जिन्हां कन्नां नाल माड़ा सुनिया, जिन्हां हत्थां नाल पाप जुलम कीते, इन्हां नूं लहू लुहाण कीता बुरियां कम्मां नाल, जुलम कर करके हत्या कीती, जुलम कमाए निर्दोषां निहत्यां ते वार कीते, ये उदों पता लगता जो उम्र मुक जाती है। फिर पता लगता है कि जिन्हां हत्थां नाल जिन्हां कन्नां नाल मैं बुरा सुनिया, बुरे बोल निंदा चुगली इस रसना दे नाल कीती, वह जीभा भी इत्थे रह गई, कन्न भी इत्थे रह गए, ते जिहड़े हथ लहू लुहाण कीते सी वह भी इत्थे रह गए। जुलम वरताया मैं इन्हां हत्थां दे नाल। गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज जी ने कृपा कीती है, असुर मना नूं असुर संगारबे को दुर्जन के मारबे को खालसा बनायो है दातार पातशाह महाराज जी ने। ताइयों सारा सरबंस कुर्बान कर दिता है। प्यारियो गुरबाणी जड़ी है सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी दी, मन विच दया रखण वास्ते फरमाउंदी है। जी दया नहीं पाली जियां ते भी दया करनी है। अठ साठ तीरथ सगल पुन, जी दया, जी ते दया कर दियो, ओ मन परवान हो जाता है जिदे अंदर दया आ जाती है। सतगुरां ने पंज प्यारे साजे, सब तो पहले दया ही महाराज जी ने, दया नूं ही चुनिया। भाई साहब जी, भाई दया सिंह जी, दूर ना जावां, दास ने गुरबाणी दी कथा करनी है। गुरबाणी गुरु है, बाणी गुरु दा जो हुक्म मन लैंदा है उहदा जीवन सफला हो जांदा है। सारिआं दे विचों परमेश्वर नजर आउण लग पैंदे हन। ना को बैरी, भाई कन्हैया जी नूं सतगुरां ने, दशमेश पिता जी ने भाई कन्हैया जी नूं पुछिया सी कि तू की पिया करदा है, सारिआं नूं पाणी पियाई जांदा है मालिक। अगों आख्या भाई कन्हैया जी ने, सतगुरु जी मैं की करां, मैनूं सारिआं विचों तुसीं दिस रहे हो, तुहाडा ही सरूप नजर आउंदा है, तुहाडी ही जोत नजर आउंदी है। सतगुरां ने मलम पट्टी भी दे दित्ती, जे तू सारिआं विच सानूं तकदा है आ लै मलम ते पट्टी भी कर दिया कर। जदों गुरु दे लड़ लग जाओ, साध संगत करन लग पाओ, फिर कोई मन विच वैर विरोध नहीं रह जांदा। कीर्तन सुनन लग पाओ गुरबाणी दा, ते गुरबाणी दे कीर्तन विच उस अकाल पुरख वाहिगुरु जी दी उस्तत है, वडियाई है।
ਜਿਹੜੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਮਿਟ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਤੇ, ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਮੁਖ ਜੋ ਸੁਣਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵੈਰ ਦਾ ਡੇਰਾ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੈਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕੋ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬੇਗਾਨਾ, ਕੋਈ ਬੇਗਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸਾਰੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ, ਪੈਦਾ ਕੋਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਤੱਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਬ ਜੋਤ ਤੇਰੀ ਪਸਰ ਰਹੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਾਇਆ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਉ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿੰਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਸੰਤਨ ਸੇਵਾ। ਤੇਰਾ ਜੋੜਿਆ ਜੜਾਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵੇਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਸੰਤਨ ਸੇਵਾ, ਕਿਤੇ ਹੀ ਕਾਜ ਨਾ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਇਆ। ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਸੰਤਨ ਸੇਵਾ, ਕਿਤੇ ਹੀ ਕਾਜ ਨਾ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਇਆ। ਤੇਰਾ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਸਾਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਹੀ ਗੁਣ ਹੋਣ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਇਆਂ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਜਪਣ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਔਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਗਣੀ ਭਰਿਆ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਔਗਣਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਸਿਰ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਜਾਣਾ ਤੇ ਪੈਣਾ ਹੀ ਹੈ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚੁੱਕ ਸਕੇ। ਤੇ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬੋਝਾ ਆਪ ਹੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, 100 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਾਊਟ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ, ਕੋਈ ਧੀ, ਕੋਈ ਸੱਜਣ, ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ, ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਮਿੱਤਰ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਮਨ ਦਾ, ਮਨ ਮਿੱਤਰ ਹੈ। ਸੁਣ ਮਨ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆ, ਮਿਲ ਵੇਲਾ ਹੈ ਇਹ। ਐ ਮੇਰੇ ਮਨ ਮਿੱਤਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇਹ ਮਨ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਰੇ ਬਿਨਾਂ ਭਗਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਨ ਮਾਰੇ ਬਿਨ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਈ। ਮਨ ਨੂੰ ਮਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਬੁਰਿਆਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ, ਭੈੜਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ, ਮਾੜਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ, ਬਾਦਾਂ ਮੱਲਾਂ ਤੋਂ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਨ ਮਾਰੇ ਬਿਨ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਲ ਧਨ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
माल धन जोरिया भया पराया वो पराया हो जाता है। नाम तो बिना कोई भी संगी नहीं हुंदा, ना मां ना प्यो ना पुत्र ना धी ना भैन ना भरा, इन्हां दा जोड़ उत्थों तक है जिथे तक इस देह नूं छड के आना है। मुड़ के कई कई साल उत्थे कोई जांदा भी नहीं। वै सुत सुत पुत्रां नूं कहिंदे ने, वै बित सारा परिवार, वै सुत वै बित वै पूरे पाटन। पाटन जड़ शहर जा जिथे बंदा रहिंदा, जिन्हों मल्ला कहिदा है, लीड्स कहिदा है, कई कुछ कहिदा है, पिंड कहिदा है। एक वारी जदों उत्थे छड आए मुड़ के कोई नहीं जांदा। वै सुत वै बित वै पुर पाटन, बाहर ना देखे आए मुड़ के कोई नहीं तकन आंदा। मना नाम जपया कर, मना तेरे नाल किसे नहीं होना, ए मन मेरे आ सदा रो हर नाले, जह मात पिता सुत मीत न पाई, मन उहां नाम तेरे संग सहाई। ताइयों गुरबाणी विच धन धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ने मन नूं ही समझाउणा कीता है, मन नूं ही समझाया है। जिन्ने भी ज्ञान ध्यान हन मन नूं समझाउण वास्ते हन, मन समझावन कारने कछुक पढ़िए ज्ञान, कती किताबां पढ़ी दियां हन, कदी कुछ पढ़ीदा है, कदी कुछ पढ़ीदा है, कादे वास्ते ए मन समझ जावे। गुरबाणी ते बिल्कुल ही बहुता ही समझाउंदी है, सच दे नाल जोड़ ही देंदी है। कोई वाहिगुरु जी तो दूर हो जांदा है अवगुणा विच पै के, भैड़े कम्मा विच पै के, क्योंकि समय समय दी बोली है। जिवें हाण नूं हाण प्यारा हुंदा है, तुसीं देखिया बच्चे आपो अपने हाणी हुंदे ने, आपो अपने हाण नाल खेडदे ने, भजदे ने, दौड़दे ने, मावां आवाजां मारदियां रहिंदियां ने, रोटी खा लै रोटी खा लै पुत्तर रोटी खा लै, पर रोटी तक भुल जांदे ने। हाण इन्ना प्यारा हुंदा है, भावें बच्चियां दा भावें वड्डियां दा, आपो अपना हाण सब नूं प्यारा है। ते समां जिहड़ा है, समें दी बोली भी जे हाणी होवे तां समझ पैंदी है, ताइयों कथा करनी पैंदी है। बड़े बड़े कथाकार, ज्ञानी, ध्यानी, बहु उपदेशी क्यों विचार करदे हन, उहनां नूं वाहिगुरु वल्लों सोझी हो जांदी है। समें दी हाणी बोली जिहड़ी है ओह उहदे विच समझा के संगत नूं गुरु ग्रंथ साहिब जी दे चरणां नाल जोड़ देंदे हन, मन जुड़न लग पैंदे हन, वाहिगुरु वाहिगुरु जपण लग पैंदे हन। गुरुद्वारा साहिब कथा हुंदी होवे तां वी मूंह निकल जांदा है जदों ओह कहिंदे हन बोलो जी सतनाम श्री वाहिगुरु, संगत झट कहण लग पैंदी है सतनाम श्री वाहिगुरु। समें दी बोली हाण वर्गी है, हाण नूं हाण प्यारा है, तां समझ पैंदी है, तां सोझी आउंदी है। धन गुरु नानक सच्चे पातशाह महाराज जी ने ताइयों ते गुरमुखी बोली दे विच सतगुरां ने धन धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की रचना कर दित्ती है। धन हन ओह जिहड़े गुरमुखी विच गुरबाणी नूं पढ़दे हन, सुणदे हन। पंजवां अंक दास ने लिया है, अंग है 275 सुखमनी साहब जी का पंजवां अंक है। बड़ी दुनिया पाताल विच वसदी है थले, पातालां पाताल आगासां आगास, ओढ़क ओढ़क पाल थके,
वेद कहने के बाद कई कोट पाताल के वासी मन जोड़ो गुरबाणी नाल मन नु समझ पवेगी मन सियाना बनेगा सतगुरां दी गुरबाणी नु सुन के इस नु सोझी आवेगी। सतगुरु जी फरमाते हैं करोड़ा जीव पाताल विच रह रहे हैं थले रह रहे हैं जिथों अपना पानी आता है उस तो भी थले पाताल पाताल लख आगासा आगास लखा ही पाताल हैं लखा ही आगास हैं कई कोट पाताल के वासी जिवें असी मात लोग दे वासी हाँ जिथे असी रह रहे हाँ इस थां दा नाम मात लोक है मातावां जन्म दिंदियां हन भरिया पिया है संसार ये मात लोक है उपर हाथ कर देईदा है उपर स्वर्ग लोक है। सुखमनी साहिब जी दे विचों है जिहड़ा वचन पढ़ रहा है दसरा पंजवें अंक विचों अंग है 275 धन 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 गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र पावन गुरबाणी का कई कोट करोड़ा जीव पाताल विच वसदे हन जिवें असी वस रहे हाँ कई कोट पाताल के वासी मना कदी सोचिया कर कदी गुरबाणी नू सुनिया कर करोड़ा जीव पतालां विच वस रहे हन उन्हां नू भी रब पाल रहा है तू क्यों डोलदा है तू काहे डोल है प्राणिया तू दराख हैगा सिरजनहार तैनू भी पालेगा ना डोल जपिया कर सतनाम श्री वाहिगुरु जी। कई कोट नरक स्वर्ग निवासी करोड़ा जीव नरकां विच जो जो कीता है उहदा फल पा रहे हन नरकां विच रह रहे हन कई सुरगां विच रह रहे हन जिन्हां ने कोई चंगे कर्म कीते हन वह सुरगां दे निवासी हन जिन्हां ने दुनिया दे विच बुरा कीता है ਉਹ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਕੋਟ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਨਿਵਾਸੀ ਕੋਈ ਸੁਰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਰੀਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਇਸ ਟੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਜੀਭਾਂ ਨਾਲ ਜਪਣਾ ਕਰੀਏ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਰੋੜਾਂ ਜੀਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਨਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਕਰੋੜਾਂ ਜੀਵ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਈ ਕੋਟ ਜਨਮ ਹੈ ਜੀਵ ਹੈ ਮਰ ਹੈ ਕਰੋੜਾਂ ਜੀਵ ਜੀਵ ਰਹੇ ਹਨ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜੋ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮਾਲਕ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਹੈ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ ਲੱਖ 84 ਜੂਨ ਉਹ ਪਾਈ ਮਾਨਸ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਇਸ ਪੌੜੀ ਤੇ ਜੋ ਨਰ ਚੁੱਕੈ ਸੋ ਆਏ ਜਾਏ ਦੁੱਖ ਪਾਏਗਾ। ਕਰੋੜਾਂ ਜੀਵ ਜਨਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਕਰੋੜਾਂ ਜੀਵ ਅੰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਪਏ ਹਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਜੀਵ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਕੋਟ ਜਨਮ ਹੈ ਜੀਵ ਹੈ ਮਰ ਹੈ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਜੀਵ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਈ ਕੋਟ ਬਹੁ ਜੂਨੀ ਫਿਰ ਹੈ ਕਈਆਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਨ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਨ ਡਰਿਆ ਕਰ ਜਪਿਆ ਕਰ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਈ ਕੋਟ ਕਲ ਹੈ ਥੱਕ ਪਾਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਜੀਵ
गरीब एक रोटी वास्ते मेहनत करते 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 थक टुट के होश नहीं रहिंदी, थक टुट जाते हैं, सौ जाते हैं। कई कोट घल है, मेहनत करते हैं, थक पाए थक जाते हैं, ता कुछ पले पैंदा है। डरिया कर उस अकाल पुरख वाहिगुरु तो जिन्होंने सब कुछ तैनू दिता होया है। इनिया करड़िया इनिया औखिया घालना तो बंदिया बचिया होया है। तैनू मालिक ने की नहीं दिता, तिया पुत्र परिवार सुख। धनवाद करिया कर मालिक का। कई कोट किए तनवंत, कईयां नूं तनवंत बना दिता है अकाल पुरख वाहिगुरु जी ने। करोड़ां ही ऐसे हन धन वाले मालिक ने बना दिते हन, कोई फिक्र नहीं कित्थों आ रहा है कित्थे जा रहा है। ते करोड़ां ही मालिक ने चिंता विच पा दिते हन, रात दिने चिंता लगी रहिंदी है, सवेरे रोटी कित्थों खावांगे। कई कोट माया मह चिंत, माया दी चिंता लगी रहिंदी है, कल गुजारा किवें होवेगा। भलिया जमानियां च पहलियां समयां दे विच दूजे डंग दा भी फिक्र हुंदा सी, डंग कहिंदे ने, दूजे टाइम दी रोटी दी भी चिंता हुंदी सी, कल कित्थों खावांगे, कल जोगा आटा है कि नहीं है, ऐसा समां भी सी पहले। करोड़ां कई कोट मालिक ने तनवंत बना दिते हन, पैसे वाले बना दिते हन, ते करोड़ां ही अकाल पुरख वाहिगुरु जी ने माया दी चिंता विच पा दिते हन। कई कोट माया मह चिंत, चिंतत ही रहंदे हन, चिंता नाल ही सुख सड़ जांदे हन। हुण सतगुरु जी फरमाउंदे हन, अकाल पुरख जी, वाहिगुरु जी, धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी फरमा रहे हन, 275 अंग है, पंजवां अंक लिया है अष्टपदी विचों। अकाल पुरख जी जिथे जिथे तुसी किसे नूं रखिया होया है, उथे उथे तुहाडे बनाए हुए जीव जंत रह रहे हन, आग्या विच हुकम विच। जह जह पाणा तह तह राखे, जिथे जिथे तुहाडी रजा है, जिथे तुसी चाहते हो किसे नूं रखना, तुहाडे बनाए हुए जीव जंत भावे मानस भी होण, उहनां नूं उत्थे रहना पैंदा है। हुक्म अंदर सब को, बाहर हुक्म ना कोए। धन गुरु अर्जन देव जी पंजवें धन गुरु नानक साहब जी फरमाउंदे हन, सारा कुछ प्रभु दे हाथ है, परमेश्वर दे हाथ है, वाहिगुरु जी दे हाथ है, बंदे दे हाथ विच कुछ नहीं। अपने साहिब नूं, अपने अकाल पुरख जी नूं, अपने परमेश्वर जी नूं कदी ना विसारो। जह जह पाणा तह तह राखे, नानक सब किछ प्रभ कै हाथे, नानक सब किछ प्रभ कै हाथे, नानक सब किछ प्रभ कै हाथे। सब कुछ प्रभु दे हाथ है, प्यारे ओ नाम जपना करिए, इन हथां नाल सेवा करिए, इस जीभा नाल जपिए सतनाम श्री वाहिगुरु, इन कन्ना नाल सरवण करिए सतनाम श्री वाहिगुरु, इन पैरां नाल चल के जाइए गुरु घर साध संगत विच, जां किरत कमाई करन जदों जांदा है बंदा, चंगे पासे इन्हां पैरां नाल चल के जाइए।
इन्हां नेत्रां नाल अखां नाल गुरु दे दीदार करिए तन मन होए निहाल जागुर देखा सामने तन मन निहाल हो जाएगा। गुरबाणी पढ़दे हां दास दिलबाग सिंह पासों गुरबाणी विचार लीड्स यूके तो तुक ला कन्ना औंकड़ दलैंकड़ सियारी बिहारी लावा जिन्ने वोवल्स हैं बंदा है जबान दी डोरी मालक दे हाथ है वध घट पढ़िया जाता है धन गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी दास नूं खिमा कर दिओ। संगत बड़ी वड्डी है संगत विच वाहिगुरु जी वसदे हन आप साध संगत अगे भी हाथ जोड़ के बेनती है मेरियां भुल्लां मैनू खिमा कर देनिया मैनू बख्श देना नाम जपिया करो सिमरन करिया करो जिन्ना हो सके गुरबाणी पढ़िया करो। गुरबाणी तो बिना प्यारे हो कोई नहीं इस वेले अंधकार दे विच अनेरे विच दीवा जगाउण वाला दीवा बले अंधेरा जाए जिवें जिवें गुरबाणी पढ़ांगे तिवें तिवें मन दा अंधेरा दूर हो जाएगा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।